तो अभी हमने लास्ट लेसन में क्या देखा, लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी देखा। तो अभी हमको लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमको भी प्रॉब्लम हो सकता है बायोडायवर्सिटी लॉस हुआ तो। इसलिए हमें बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है, माने क्या प्रोटेक्ट करना है, उसको अच्छी तरह से रखना है। क्यों उसको हम रखना है, क्योंकि नैरो यूटिलिटेरियन बायोडायवर्सिटी हमारे लिए नैरो यूटिलिटेरियन है। नैरो यूटिलिटेरियन माने हम जो यूज करते हैं, यूटिलिटी करते हैं। तो नैरो यूटिलिटेरियन माने बायोडायवर्सिटी से हम क्या क्या लेते हैं, फूड लेते हैं, बहुत सारे फूड, लाइक राइस लेते हैं, वीट लेते हैं, और फल लेते हैं, वो कंस्ट्रक्शन के लिए वुड लेते हैं हम, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी बायोडायवर्सिटी से, फॉरेस्ट से लेते हैं, और बहुत सारे प्लांट से हम मेडिसिन्स लेते हैं। तो इन सब को क्या बोलेंगे, नैरो यूटिलिटेरियन बोलेंगे। ये सब यूटिलिटी हमारा यूज के लिए। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग माने क्या है, जब हम मॉलिक्यूलर लेवल में रिसर्च करते हैं एक स्पीशीज के ऊपर, या जेनेटिक लेवल्स में उसको रिसर्च करके उसके बाद उसको हम यूज करते हैं अपने इकोनॉमी इम्प्रूव करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, बायो प्रोस्पेक्टिंग। यूजुअली मेडिसिन और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में बनाने में इसको हम यूजुअली बायो प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। तो ये नैरो यूटिलिटेरियन है, माने छोटा छोटा वाला यूजर्स को दिखाया है उसने इसको, नैरो यूटिलिटेरियन। नेक्स्ट क्या होता है, ब्रॉडली यूटिलिटेरियन माने बहुत ब्रॉड, माने बहुत सारा यूटिलिटी में बहुत बड़ा जगह को क्या बोलते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा यूटिलिटी हमें क्या है, अमेजॉन फॉरेस्ट 20% ऑक्सीजन देता है, पूरा धरती का 20% ऑक्सीजन कौन देता है, अमेजॉन फॉरेस्ट। फिर पॉलिनेशन लाता है, क्या है, बायोडायवर्सिटी में पॉलिनेशन लाता है ब्रॉड एस्पेक्ट में। अगर हम पॉलिनेट करना है, ये फ्रूट सब बनाना है, तो बहुत मुश्किल है, तो अपने आप नेचर बनाता है, उसको भी ब्रॉड यूटिलिटी कहते हैं। और इस्थेटिक पर्पसेस, इस्थेटिक पर्पसेस माने क्या, हम जब वहाँ पे वॉकिंग करते हैं, वो कितना ब्यूटिफुल लगता है, वो फ्लावर्स वो सब बहुत सुंदर लगते हैं देखने को, हमको मन की शांति मिलती है, इसको इस्थेटिक पर्पसेस बोलते हैं। ये भी एस्थेटिक पर्पसेस, तो ये भी ब्रॉडली यूटिलिटेरियन है। लास्ट रीजन क्या है, क्यों कंजर्व करने का, एथिकल। एथिकल माने क्या, मोरालिटी, हमारा मोरल ड्यूटी है कि हम इन प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, इसलिए हम क्या करना है, बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करना है या प्रोटेक्ट करना है। कैसे कंजर्व करेंगे बायोडायवर्सिटी को, दो मेथड्स है। क्या क्या मेथड्स है, एक है इनसीटू मेथड, एक है एक्सीटू मेथड। तो बायोडायवर्सिटी का कंजर्व करने के लिए दो मेथड्स क्या है, इनसीटू और एक्सीटू। इनसीटू कंजर्वेशन माने क्या है, उसका ही हैबिटेट में, माने उसका ही जगह में, नेचुरल जगह, नेचुरल होम, फॉरेस्ट। लायन के लिए क्या हो जाए, फॉरेस्ट, टाइगर के लिए फॉरेस्ट है उसका नेचुरल हैबिटेट, वहीं पे उसको प्रोटेक्शन देने को इनसीटू कहते हैं। सो स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। सो क्या किया है अभी इन लोगों ने, एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स करके दुनिया में बनाया है। तो टोटली दुनिया में 34 बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स है। बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स माने मीनिंग क्या है, जहाँ पे स्पीशीज, जिस जगह में स्पीशीज का रिचनेस बहुत हो, बहुत सारा स्पीशीज हो, और इंक्रीज्ड एंडेमिज्म, लाइक एग्जाम्पल इंक्रीज एंडेमिज्म माने वो स्पीशीज उस जगह ही मिलता है और कहीं नहीं मिलता, और उसका ऐसे बहुत सारे स्पीशीज रहता है जो वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। कुछ फ्लाइंग फॉक्सेस, ऑरेंज कलर वाला, वो सब वेस्टर्न घाट्स में ही मिलता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज्ड एंडेमिज्म बोलते हैं। और रीजियंस ऑफ इंक्रीज्ड हैबिटेट लॉस, कहाँ पे बहुत ही हैबिटेट लॉस हो रहा है, तो वो ये तीन क्राइटेरिया के ऊपर वो बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट करके डिसाइड करता है। दुनिया में 34 है, इसमें हमने तीन एग्जाम्पल दिया है हॉटस्पॉट का।
वेस्टर्न घाट्स एंड श्रीलंका एक हॉटस्पॉट है, इंडो बर्मा एक हॉटस्पॉट है, हिमालयन कवर एक हॉटस्पॉट है। तो ये इंसिटू कंजर्वेशन है, तो इसमें सेक्रेट ग्रोव्स भी आते हैं। अगर आप फॉरेस्ट एरिया में है तो आपको ये मालूम हो जाएगा सेक्रेट ग्रोव क्या है। वहां पे एक पेड़ रहता है, पेड़ के नीचे एक भगवान या कुछ मूर्ति या कुछ पत्थर ही रखा होता है, उसको पूजा करते हैं लोग सभी। और वहां का जो एरिया में कोई भी वहां का पेड़ नहीं काटने का, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सेक्रेट ग्रोव्स। ये बहुत सारे जगह पे है, काशी में है, वेस्टर्न घाट्स में है, और वहां नागालैंड उस तरफ ईस्टर्न साइड ऑफ इंडिया, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड में भी है ये, तो इसको सेक्रेट ग्रोव्स बोलते हैं। सम पार्ट्स ऑफ फॉरेस्ट और ग्रुप ऑफ ट्रीज आर डेडिकेटेड टू डेइटीज एंड हेंस दे आर प्रोटेक्टेड। तो वहां पे कोई भी नहीं जा सकता, अंदर पेड़ नहीं काट सकता, वहां का एनिमल्स को कोई छू नहीं सकता। सो ऐसे क्या हो गया, ये भी एक इंसिटू प्रोटेक्शन ही हो गया है। ये यूजुअली रिलीजियस और कल्चर प्रैक्टिस पर डिपेंडेंट है। नेक्स्ट हम जाएंगे रेड सिटू एक्सिटू कंजर्वेशन। तो एक्सिटू कंजर्वेशन माने क्या है, उसके हैबिटेट से बाहर निकाल के उसको प्रोटेक्ट करना। एग्जाम्पल, थ्रेटेंड एनिमल्स और प्लांट्स और रिमूव फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट एंड और ग्रोन इन जूज और बोटानिकल गार्डन्स। तो वहां से उन लोगों को निकालना फॉरेस्ट से, जू में रख के उनको अच्छी तरह से देखना, प्लांट्स को बोटानिकल गार्डन में रख के उनको अच्छी तरह से देखना, नहीं तो उनका गैमेट्स ऑफ दी स्पीशीज और प्रिजर्व्ड बाय क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। उनका गैमेट्स निकालना और क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक्स में उनको प्रिजर्व करके रखना, जब भी हमें चाहिए, अगर वो एक्सटिंक्ट हुआ तो भी हम उसका पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, दीज गैमेट्स कैन बी यूज्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन लेटर। वही, ये जो गैमेट्स हमने स्टोर किया है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन माने क्या, बॉडी हमारे शरीर से बाहर टेस्ट ट्यूब में, उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। वैसे करके उनका पॉपुलेशन हम बढ़ा सकते हैं। प्लांट्स कैन बी प्रोपगेटेड बाय टिश्यू कल्चर। तो प्लांट्स को कैसे प्रोपगेट कर सकते हैं हम लोग, टिश्यू कल्चर से प्रोपगेट कर सकते हैं। उसके बाद सीड्स को हम कहाँ स्टोर कर सकते हैं, सीड बैंक्स में स्टोर कर सकते हैं। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी एक्सिटू कंजर्वेशन हो गया, ये सभी एक्सिटू कंजर्वेशन हो गया। तो अर्थ समिट एक रखा था, ये एक मीटिंग है, कहाँ रखा था, इसके लिए नेचर को कैसे कंजर्व करने के लिए, 1992 में रियो डी जेनेरियो। ये काम है, ये कैपिटल ऑफ ब्राजील लग रहा है मुझे, कैपिटल ऑफ ब्राजील है ये, तो वहां पे रखा था। नेक्स्ट हम जाएंगे रेड डेटा बुक माने क्या है। रेड डेटा बुक माने इट इज अ रेड लिस्ट या डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑफ अ कंट्री या ऑफ द वर्ल्ड। तो क्या है वो, एक डॉक्यूमेंटेशन है जहां पे कौन सा स्पीशीज एंडेंजर्ड है उसका नाम रहता है उसमें, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज का नाम को हम क्या बोलते हैं, रेड लिस्ट बोलते हैं। तो एंडेंजर्ड स्पीशीज माने क्या और एक्सटिंक्ट स्पीशीज माने क्या, आपको डिफरेंस मालूम रहने का। एंडेंजर्ड माने एनिमल्स और प्लांट्स दैट और दे आर अलाइव, अभी भी है बट ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। अगर वो बहुत बुरा हाल में है उसका, अगर हम ऐसे ही छोड़ दिया तो उनको वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, उनको एंडेंजर्ड स्पीशीज बोलते हैं। एक्सटिंक्ट स्पीशीज माने क्या, एनिमल्स एंड प्लांट्स दैट आर नॉट देयर, एक्सटिंक्ट हो गए हैं ये, अभी नहीं है ये चीजें। तो ऐसा है, एग्जाम्पल्स अभी रिसेंट एक्सटिंक्शन का एग्जाम्पल्स हमने दिया है, डोडो मॉरिशियस, डोडो एक बर्ड है वो अभी एक्सटिंक्ट हो गया है मॉरिशियस में। क्वागा अफ्रीका में एक्सटिंक्ट हो गया, क्वागा क्या है, एक टाइप का जीब्रा है वो। थाइलासाइन ऑस्ट्रेलिया में एक्सटिंक्ट हो गया है, थाइलासाइन माने क्या, वो एक मार्सुपियल है, मार्सुपियल माने क्या, ये कंगारू रहता है, वो सभी मार्सुपियल्स है, सो वो भी एक्सटिंक्ट हो गया है। स्टेलर सी कव ये रशिया में, ये एक्चुअली एक सी एनिमल है, कहाँ रहता है, ओशन में रहता है, बहुत बड़ा रहता है, अगर आप वॉलरस को देखा है तो पिक्चर्स में ये ऐसा ही रहता है सी कव भी, पर वॉलरस को यहाँ पे दांत बड़े बड़े रहता है, इसको नहीं रहता है। नेक्स्ट, सब स्पीशीज ऑफ टाइगर भी एंडेंजर्ड है, कौन सा सब स्पीशीज ऑफ टाइगर, बाली जावन
कैस्पियन, ये सभी क्या है एंडेंजर्ड स्पीशीज है। इनका नाम कहाँ पे है, रेड बुक डेटा में है या रेड डेटा बुक, या इनको रेड लिस्ट का एनिमल्स है, ये सभी क्या है रेड लिस्ट का एनिमल्स है।